IPL के 13वें संस्करण में शनिवार को पहला डबल हेडर होगा। पहले मुकाबले में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना स्टीव स्मिथ की राजस्थान रॉयल्स टीम से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे से शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान टीम की बल्लेबाजी फॉर्म में है, लेकिन सिर्फ उपविक्रम संजू सैमसन कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ला चल ही रहा है। जॉस बटलर ने भी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बता दिया था एक अच्छी पारी उनसे दूर नहीं है। वही पहले के सीजनों में बेंगलोर कोहली और एबी डिविलियर्स पर ज्यादा निर्भर रहती थी, लेकिन इस सीजन देवदत्त पड्डीकल और एरन फिंच ने उनसे यह भार साझा किया है। पड्डीकल 2 अर्धशतक जमा चुके हैं और फिंच 1। डिविलियर्स ने भी पिछले मैच में अर्धशतक जमाया था। सिर्फ कोहली का बल्ला ही अभी तक खामोश है। राजस्थान के सामने कोहली एक अच्छी पारी खेल इस सूखे को खत्म करना चाहेंगे। गेंदबाजी में नवदीप सैनी ने बेहद प्रभावित किया है, लेकिन तेज गेंदबाजी में उनको कोई अच्छा जोड़ीदार नहीं मिला। राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल रहेंगे। कोहली ने पिछले मैच में 2 लेग स्पिनर उतारे थे और इसलिए एडम जाम्पा को मौका मिला था। दोनों टीमों का संभावित प्लेइंग 11। राजस्थान रॉयल्स: जॉस बटलर विकेटकीपर, स्टीव स्मिथ कप्तान, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, मनन वोहरा, रियान पराग, महिपाल लोमरोर, राहुल तेवतिया, जोफ्रा आर्चर, टॉम कुरेन, श्रेयस गोपाल, अंकित राजपूत, जयदेव उनटकट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर: देवदत्त पड्डीकल, एरन फिंच, विराट कोहली कप्तान, एबी डिविलियर्स विकेटकीपर, गुरकिरत सिहमान, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, इशरू उदाना, नवदीप सैनी, एडम जंपा, मोइन अली, युजवेंद्र चहल।